गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 11 हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। टॉपिक क्या है? टॉपिक में ही बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है कि अगर हम सभी साथ हो तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमें फिर मौत से भी डर नहीं लगेगा। इसको किसने कम लिखा है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। इसके बारे में दो लाइन बहुत ज़रूरी है जानना, दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस ऑर्डियल दैट अ फैमिली एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे एक फैमिली दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर होते हुए वर्ल्ड टूर के लिए निकलती है। तो इसके पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, जो चैप्टर के बीच बीच में आएंगे। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। वोएज, सी जर्नी। हॉर्निंग, शॉर्टनिंग। हेडिंग, मूविंग टूवर्ड्स, आगे की ओर बढ़ना। इनकाउंटर, फेस, कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो इनकाउंटर होता है। गेल्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज चलने वाली हवाओं को हम गेल्स कहते हैं। गिगेंटिक, दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ा। जिप यानी कि स्मॉल सेल। नॉट, सी माइल्स, समुद्री यात्राओं में जो दूरी नापने के लिए हम खोलते हैं उसे कहते हैं नॉट्स। स्क्रीमिंग, हॉलिंग यानी चिल्लाते हुए, आवाज़ करते हुए। लाइफ लाइन्स, रोप्स फॉर सेविंग द ड्रोनिंग पर्सन, यानी समुद्री रास्तों में जब कोई खतरा आता है या डूबने का डर होता है तो वहाँ वो लाइफ लाइन्स का यूज करते हैं। ऑयल स्किन, ऑयल स्किन क्या होता है? वाटर प्रूफ कवरिंग। रिप फ्रेम, फ्रेम्स ऑफ वुड। ठीक है, तो जो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है उसमें मेन कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, जो नैरेटर हैं कहानी के, मेन जो पात्र हैं वो है हमारे नैरेटर, उनकी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जो 6 ईयर्स ओल्ड है, और जो डॉटर सुजैन है वो 7 साल की है। नैरेटर अपनी जर्नी कब स्टार्ट करता है? 1976 में। और जो नैरेटर है वो अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट करना चाहता है? क्योंकि जो नैरेटर है उसका एक सपना था कि जो कैप्टन कुक ने 200 ईयर्स एगो यानी 200 साल पहले कैप्टन कुक ने पूरे दुनिया का समुद्री रास्ते के साथ सफ़र किया था, तो कैप जो हमारा नैरेटर है वो भी उसका एक सपना था कि वो पूरी दुनिया का सफ़र इसी समुद्री रास्ते से करे। तो इसके लिए नैरेटर ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था, लेकिन जो उसकी रुचि थी, उसका इंटरेस्ट था, वो सी वॉयज में था, तो उसने अपने सारे समय को, जब भी वो अपने काम से फ्री होता था, तकरीबन 16 सालों तक नैरेटर ने अपनी सारी तैयारी इस सी रूट के लिए की थी, यानी अपनी स्किल को डेवलप करना। और साथ ही साथ नैरेटर ने उस समुद्री यात्रा के लिए जो बोट बनाई थी वो खुद बनाई थी, उस बोट का नाम उन्होंने रखा था वे वॉकर। ठीक है, उस वे वॉकर को नैरेटर ने खुद बनाया था, और हर एक चीज जो कि उन्हें उस रास सफ़र के दौरान चाहिए होती थी उस स्किल को डेवलप की, और ख़राब से ख़राब मौसम में अपनी वे वॉकर को लेकर वो प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें अपने सफ़र में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर उनका जो फर्स्ट स्टेप था, यानी उनका जो प्लान था जर्नी का, वो 3 सालों का था। इन 3 सालों के लिए उन्होंने अलग अलग प्लान कर रखा था कि फर्स्ट प्लेस पे, यानी जो उनकी जर्नी का फर्स्ट फेज है वो कहाँ जाएंगे। तो फर्स्ट फेज जो उनका प्लान था वो ये था कि सबसे पहले वो थ्री ईयर प्लान जर्नी थी, और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान था वो क्या था? टू कवर 1,05,000 किलोमीटर। कहाँ से? दे सेल फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। सबसे पहले उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की साउथ अफ्रीका से केप टाउन की ओर, और उनका साथ देने के लिए उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन रख रखे थे, अमेरिकन लैरी और स्विस हर्ब सिगलर, क्योंकि उन्हें पता था आगे जाने पर उनका सामना दुनिया के सबसे खतरनाक सी यानी कि इंडियन ओशियन से होने वाला था, और वहाँ पे उनको इन क्रूमैन की ज़रूरत पड़ती, इसलिए उन्होंने उसको अपने साथ रखा था। अब जर्नी स्टार्ट हुई, शुरू में सब कुछ अच्छा रहा, वो
साउथ अफ्रीका से होते हुए केप टाउन की ओर बढ़े और वहाँ से उन्होंने ईस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। शुरू में मौसम जो था बहुत प्लीजेंट था, खुशी खुशी वो आगे बढ़ रहे थे, और लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनका सामना क्या हुआ, खतरनाक हवाओं से होने लगा। समुद्री हवाएं बहुत तेज़ हो गई, तूफान आने लगा, लेकिन वेवाकर क्योंकि रफेस सीजन में भी रफेस वेदर में उन्होंने उसको इनकाउंटर कराया था, तो वेवाकर ने इन खतरों से आगे बढ़ता जा रहा था। और इसी तरह करते करते क्रिसमस ईव आ गई, यानी कि 25 दिसंबर। तूफान तो था, लेकिन उस तूफान के बीच में भी उन्होंने क्रिसमस ईव बहुत अच्छे से बिता ली। धीरे धीरे जो हवाएं थी वो तेज होती जा रही थी, लहरें इतनी ऊंची थी जो कभी कभी उनके मेन मास्ट से तकरीबन 15 फीट ऊंची ऊंची लहरें उनके वेवॉकर के सामने से आ रही थी। और इसी तरह करते करते न्यू ईयर की सुबह हो गई, यानी कि 1 जनवरी, और 1 जनवरी को जो मौसम था वो क्या होने लगा, वो और ख़राब होने लगा। पहले तो मौसम शांत हो गया, लेकिन उनको लगा कि ये किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान की चेतावनी है, तो उन्होंने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लिया। उन्होंने वेवॉकर को रीचेक किया, हर चीज़ों को मजबूती से बांध दिया, जहाज का जो पिछला हिस्सा था उसे मजबूत रस्सियों से बांध दिया, लाइफ लाइन्स लाइफ जैकेट को लेकर उन्होंने सारी ड्रिलिंग कर ली थी, और अब वो आराम से बैठकर उस आने वाले खतरे का इंतजार करने लगे। और जैसा कि एक्सपेक्ट था ऐसा ही हुआ। मौसम अचानक से जो हवाएं थी जो बहुत तेज तेज चल रही थी एकदम शांत हो गया, जो स्काई थी पूरी तरह से काली हो गई, और उनको लगा, यानी नैरेटर क्रूमैन और बाकी लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अचानक से उनके वे वॉकर के सामने से एक ऊंची लहर इतनी तेज से उनके ऊपर आई कि एक पल के लिए उनको कुछ समझ में नहीं आया, और तेज धमाके के साथ जो उनका डेक था वो टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ, लहरों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। अब जब नैरेटर की आंखें खुली उस धमाके के बाद, तो उसने देखा कि उनके डेक में चारों तरफ पानी ही पानी है। अब नैरेटर जो है उस पानी के बहाव में, क्योंकि वो बहुत तेज से आया था, तो फोर्सफुली उस पानी ने नैरेटर को उस जहाज के व्हील पर दे मारा, यानी जहाज का जो पहिया था वे जिससे वो डायरेक्शन देते हैं उससे जाके टकराता है, तो नैरेटर के सर में बहुत तेज चोट लगती है और वो अपना कॉन्शसनेस, यानी जो होश, वो अब अपना होश खोने लगा था। अब क्या हुआ, नैरेटर जो है वो कॉन्शसनेस होने लगा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब बचने की कोई चांस नहीं, बचने का कोई चांस नहीं है, ही वॉज लूजिंग होप। अचानक से जो उसका सर है वो पानी से बाहर निकलता है, और क्योंकि डेक में पानी भर चुका था तो उन पानी के लहरों के साथ जो उसकी बॉडी है एक कपड़े के गुड़िए की तरह रोल होके कभी इधर कभी उधर डेक पे गिरती है, मतलब मुड़ती रहती है। अचानक से डेक के फ्रंट डोर का दरवाज़ा खुलता है, यानी फ्रंट जो वहाँ का केबिन था उसका दरवाज़ा खुलता है, और वहाँ से मैरी आती है। मैरी कहती है कि हम डूब रहे हैं, हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। तभी नैरेटर की नज़र किधर पड़ी, नैरेटर ने देखा जो क्रूमैन कौन थे, स्विस हर और अमेरिका लैरी, ये पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग यानी जो पानी आ गया था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। नैरेटर क्योंकि टकराने की वजह से जो नैरेटर की लेफ्ट रिब्स थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और जो नैरेटर का मुंह था वो ब्लड से और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था, फिर भी किसी तरह नैरेटर ने अपने आप को संभालते हुए वो सबको बचाने के लिए तैयार होता है और जाता है कहाँ, केबिन में नीचे जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं, कैबिनेट में कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेने जो कि उसने एक्स्ट्रा रख रखी थी, क्योंकि नैरेटर को ये अंदाज़ा था कि कुछ भी हो सकता है। तो जब वो कुछ ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए नीचे जाता है तो वहाँ वो अपने बच्चों को मिलता है। बच्चे कौन थे, बेटा था जोनाथन और बेटी कौन थी, सुजैन। तो सुजैन को उस धमाके की वजह से, क्योंकि डेक टूटा था और बहुत तेज से
जो जहाज है वो सेक हुआ था, तो सुजैन को एक चोट लग गई थी उसकी आंखों के ऊपर, तो बम्प हो गया था। बम्प समझते हैं, वो इतना ज़्यादा था कि जो सुजैन की आंखें थे वो स्वेल हो गई थी, यानी स्वेलिंग की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी और उसकी आंखों का एरिया जो था वो काला पड़ गया था। लेकिन नरेटर के पास अभी इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर देखे या बच्चों को कंसोल करे। वो अपना ज़रूरी सामान लेता है और आकर स्विस और लैरी के पास उनको उनकी मदद करता है। जो नरेटर है वो क्रूमैन के पास जाता है और उनकी मदद करता है उस पंपिंग को करने में, और उसके बाद नरेटर अपने क्रूमैन के साथ मिलकर उस जहाज में जो जो तोड़फोड़ हुई थी, जितनी भी मदद के साथ हो सकता था, उसने क्रूमैन के साथ मिलके वे वॉकर को इतना सही कर दिया था कि वो कुछ दूर तक जा सके। अब इस जो कंडीशन थी वो उनके अंडर कंट्रोल थी और बारी बारी से हर एक व्यक्ति दो दो घंटे के लिए रेस्ट कर सकता था। तो अब नरेटर जो है वो अपने बच्चों से मिलने जाता है, वो उनसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन सुजैन और जोनाथन कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद नरेटर वापस डेक पर आता है और मैरी के साथ बैठता है, क्योंकि उन दोनों को ये उम्मीद होती है कि शायद अब वो कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन क्या होता है, अभी ये इसी ख्यालों में डूबे होते हैं तभी से कहीं से पता चलता है कि जो उनकी वेव वॉकर है उसमें कहीं से वाटर लीकेज हो रहा है। नरेटर वापस से अपने क्रूमैन के साथ मिलकर उस लीकेज को सही करता है, क्योंकि जो लीकेज था, जो जहाज का फ्रेम था वो पूरी तरह से टूट चुका था, वो बस चल रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। तो अब नरेटर को ये ख्याल आता है कि अगर वो जल्दी से जल्दी किसी आइलैंड पर नहीं पहुँचे तो उनका मरना निश्चित है, निश्चिंत है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी नरेटर को ख्याल आता है, क्योंकि जो सिग्नल था वो तो पूरा सिग्नल सिस्टम वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, वो कोई सिग्नल ना दे पा रहे थे ना ले पा रहे थे। तो नरेटर ने कुछ चार्ट और मैग्नेटिक कंपास की मदद से कैलकुलेट किया। अपनी कैलकुलेशन के आधार पर नरेटर को ये पता चला कि कुछ दूर पे वहाँ एक दो आइलैंड होंगे, जिसमें से एक एल एम्स्टर्म है जो ऑस्ट्रेलिया का साइंटिफिक बेस है। अगर वो वहाँ तक पहुँच गए तो उनके बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। नरेटर ने अपनी कैलकुलेशन को बार बार कैलकुलेट किया, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर, क्योंकि अगर सही होगा तो वो बच जाएंगे और सही नहीं होगा तो वो नहीं बचेंगे। फिर क्या होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से वे वॉकर को वो ईस्ट की ओर हेड करता है और ये मानकर चलता है कि अगर शाम 6 बजे तक वो शाम के 5 बजे तक अगर वो सही दिशा में बढ़ेंगे तो वो एक आइलैंड पे होंगे, अगर उन्होंने मिस कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता, सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिर इसी ख्यालों में करते करते काम की वजह से, चोट की वजह से नरेटर को थकान होती है और वो सो जाता है। अब नरेटर जगता है तो अंधेरा हो चुका होता है, शाम के 6 बज रहे होते हैं। तो अंधेरा देखते ही नरेटर का जो मन है वो थोड़ा सा बुझ जाता है, यानी वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लगा कि जो उसकी सोच थी कि वो सही चल रहा है, शायद वो गलत हो गई। इतने में इसी उधेड़बुन में वो खोया हुआ था कि जोनाथन आता है और उसको हक कर लेता है। तो नरेटर को समझ में नहीं आता, जबकि उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई है, वो अपने फैमिली को नहीं बचा पाया, उसका बेटा उसे हक क्यों कर रहा है। तो जोनाथन अपने डैड से कहता है कि डैडी यू आर द बेस्ट डैडी ऑफ द वर्ल्ड। तो नरेटर कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन है वो गलत हो गई। तो जोनाथन कहता है कि नहीं, आपका जो कैलकुलेशन था वो एकदम सही है, हम आइलैंड के पास पहुंच गए हैं। और जोनाथन के साथ वो नरेटर जाता है और देखता है कि उसकी आंखों के सामने एल्स एम्स्टर्म का आइलैंड है और वो खुशी से पागल हो जाए, यानी झूम जाता है, वो खुश हो जाता है कि फाइनली ही सेव्ड हिज फैमिली। फिर क्या होता है, अंधेरा हो चुका होता है, तो उस शाम को वो उसी किनारे पर रुकने का प्लान करते, क्योंकि उन्हें पता था नेक्स्ट डे वो उस आइलैंड में सुरक्षित
पहुंच जाएंगे। और इस तरह से स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो नैरेटर ये कहना चाहता है कि मिलके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, घबराने से कुछ नहीं होता है।